इंडियन ब्लॉगर अंशु। और आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट। जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि मंडे के दिन मैं फास्ट रखती हूँ। मैंने अभी अपने बाल सुलझाए भी नहीं है और मैं चेन भी लगा रही हूँ कि मैं गीले बालों में कॉम नहीं लगाती, वो ज़्यादा टूटते हैं गीले बाल। बस अब मैंने पिन लगा दी, वो बार बार मेरे फेस पे नहीं आएंगे। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मीना जनरेशन की लिप शेड, जिसका नंबर है 66, जो नेचुरल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये नीचे गिर गई और ऐसा ऐसी ऐसी हो गई, तो मुझे इसके अब रेजर से इसे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, बिल्कुल नेचुरल शेड है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे कॉलेज के लिए या डेली यूज के यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पापा कहीं बाहर जा रहे हैं। और आप सब लोग बताइए गाइस, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा मंडे का फास्ट रखता है? ज़्यादातर सब लोग रखते हैं, मैं कोई ऐसे 16 सोमवार वाले व्रत नहीं रखती, जो होते हैं कि 16 सोमवार नहीं रखती। बस मैं रखती ही हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं कितने व्रत हो गए मेरे। बस मुझे अच्छा लगता है व्रत फास्ट रखना, मैं कोई वो नहीं रखती कि होते हैं ना 16 सोमवार के व्रत रखती हैं लड़कियाँ, नहीं मैं वो नहीं रखती। कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि मैंने अभी पूजा की है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं, खाना तो एक ही टाइम खाती हूँ, तो इसी वजह। और थोड़े सी मखाने ये खाती हूँ, मैं इन्हें फ्राई नहीं करती, क्योंकि माँ जी कब आओगी फिर? कब आओगी? हम सब ठीक ठाक रहो, सो फिर इन दिनों नहीं आएंगे, बात जी कुछ सब बने रहे। बाबा जी की बहन जो आ रही थी वो, बाबा जी, माँ जी कब, कल को जाओगी? कल को जाएंगे। माँ जी कल को जा रही हैं।
बाबा जी का मन कैसे लगेगा? बाबा जी का मन कैसे लगेगा? बाबा बाबा हम तो दिन में हम तो सब जगह बैठ जाओ। अच्छा अरे ये कॉल बॉल करके बुरे आगे दिखे कैसे जल्दी कैसे छूटे कोई बात ना कोई बात ना नू बताओ तुम चली जाओगी घर पे बाबा जी के बिना मन कैसे लगेगा तुम्हारा? बाबा का तो खैर भैया पोती पोते बने रहो तुम तुम्हारा तो जी लगने की बात है। अच्छा मेरा भाई दो चार दिन तो लगता ना फिर सब लगना पड़े फिर कब फिर फोन पे। अच्छा फिर हमारी याद आएगी सबकी याद आ याद तो जिन दिन बैठो सबकी याद आ रहा है बहन है ये तो यहाँ तो घने हो गया। हाँ अब कैसे छुटके आएगी मैं माँ जी के मेहंदी क्या सिर क्या करना आपको कलर छुटाना है ये तो कलर तो कुछ दिन बाद अपने आप छुट जाएगा माँ जी। मैं तो सफेद मैं तो अब के फेरे में सफेद फिर खींचवाऊंगी फोटो पहले सफेद खींच कर हाँ पहले हाँ आदमी तो करा माँ जी के बालों पे कलर कर दिया भाभी ने तो माँ जी को वो अच्छा नहीं लग रहा बोल रही है इसे छुटाओ मुझे तो अपने व्हाइट बाल ही अच्छे लगते हैं। छूट जाएगा माँ जी तो दो चार दिन में अपने आप ही छूट जाएगा साबुन से सर्फ से कुछ शैम्पू से। हाँ जैसे आप सिर धोती हो सर्फ सर्फ में तो कह रही बोल रही शैम्पू में तो वो वाला शैम्पू यूज करेगा ना जोन सो आपको शूट करे क्या पता आप जोन कौन सा यूज करो आप हाँ तो फिर वो होएगा चिक माँ जी हेड एंड शोल्डर यूज करा करो मुल्तानी को छाए में भी क्या फायदेमंद रहे वो माँ जी भी तुम्हारे बाल काले करने पे लग रही है तुम्हें तुम्हारी एज माँ जी तुम्हारी एज को बढ़ाने के लिए हो मतलब कम करने के लिए तुम्हारे बाल काले कर रहे हैं कह रही है बियोत न लगा उसको तो मेरे तो बिल्कुल सफेद मेरे दिन में तो मेहंदी छूटी तो लाल लाल मेहंदी वो ऐसी लग रही है मुसलमान माँ जी को अपने सफेद बाल बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं सीमा का है क्या सीमा बुआ जी क्या करना है उसकी साथ सुन लगी मेरे हाथ में तो लगा दिया मैं तो सफेद नहीं क्या करे माँ जी आपको सफेद बाल अच्छे लगे हैं सफेद बाल अच्छे लगे ये बीच में हाँ सफेद चिट्टे हुए मेरे ये यहाँ लोगे आज हाँ आज धोया हमें नसे हो जाएगा सहज सहज। हाँ माँ जी को कलर करे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे वो बार बार बोल रही है कि मुझे तो मेरे व्हाइट बाल ही चाहिए इन्होंने क्या कर दिया मेरे बालों का। माँ जी तुम्हारी उम्र कम कर रहे हैं उम्र कम नहीं जैसी उम्र होती जाओ वैसी चीज सोहनी लगती अच्छा जैसी उम्र होती जाओ वैसी सोहनी लगती जाओ वैसी चीजें माँ जी बोल रही है दांत काट के तो और भी बुढ़े हो जाएंगे ये तो मेरे दांत चढ़ रहे हैं सही है आंख भी चढ़ रही है लाली माँ जी बता रही है कि मेरे दांत भी चढ़ रहे हैं मेरी आंख भी चढ़ रही है और बालों पर कलर करवा दिया तो ब्याह होने लगे तो जवान बना हाँ जब किसी की शादी होने लगी तो फिर आपको जवान बना देंगे। Thank you.
ना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अब बज चुके हैं शाम के 7 बज रहे हैं, 6:30-7 बजे के आसपास हो रहे हैं। और मैंने अभी अभी की है पूजा, और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी ना, वो मोटर चला रखा है, पानी टंकी भर रहे हैं, टंकी भर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से अगर बारिश आंधी आंधी आने लगी तो फिर शायद लाइट नहीं आए, इसी वजह से भर के रखना पड़ता है, सोचना पड़ जाता है। इतना तो खैर सोचना चाहिए भी कि अगर लाइट भाग गई तो कैसे चलेगा काम। और आज पता क्या हुआ, जब माँ जी आई थी तो उसके बाद मैं सो गई और मुझे याद ही, पता है आजकल इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे आजकल, तो मैं दोपहर को सूट नहीं कर पाई, सो गई थी। सो के उठी, फिर पूजा करी, ऊपर गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। मम्मी बना रही है मेरे लिए खाना। मम्मी से हाय। हाय। ये ट्राईपोड तब से यहीं रखा हुआ है, क्योंकि मम्मी ने शायद वीडियो शूट करी थी तो इसी वजह से ट्राईपोड यहीं रखा हुआ है। और मैं फटाफट से खाती हूँ खाना, और मुझे बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है। जब पूरे दिन फास्ट रखते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। और प्लीज़ मोटर की आवाज़ को इतना गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पीछे की खिड़कियाँ खोल रखी हैं, क्योंकि घर में अगर खिड़कियाँ शाम के टाइम खुल जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा, मम्मी ने बंद कर दिया मोटर, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हवा आती है ना मम्मी। अगर शाम के टाइम खिड़कियाँ खोल दो तो कितना अच्छा मौसम हो जाता है ना घर में। और आज खाना मम्मी बना रही है, क्योंकि मम्मी थोड़ा ठीक सा महसूस कर रही हैं तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मुझे काम करने दो, तो आज वो बना रही हैं खाना, मैं हेल्प कर दूंगी उनकी, लेकिन देखते हैं कब तक थोड़ा बहुत करेंगी, फिर मैं बाद में उनका हाथ बटा लूँगी, क्योंकि एकदम से सारा काम उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। और मैं बहुत ज़्यादा काली काली लग रही होंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लाइटिंग की वजह से हो रहा है शायद। हाँ, तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, जैसे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। माँ जी कल को चली जाएंगी, तो मैं एक बार और आप लोगों को हो सका तो उन लोगों से उनसे मिलवाऊंगी। वो कल चली जाएंगी, उनकी बेटी उन्हें लेने के लिए आएंगी। तो मिलती हैं अपने अगले व्लॉग में, तो बाय, टेक केयर। और अब प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, एक मिनट, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कर देना, और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो टेक केयर, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, बाय, गुड नाइट।